तो गाइस यहाँ पे हो गई है अचानक दिल्ली में बहुत तेज बारिश शुरू, और हमें उसी के साथ बारिश आते के साथ ही ख्याल है डब्बा लाओ। बच्चे यहाँ लेटे हुए है ना, तो बच्चों को ना समझ आ गई है कितना चलना है कहाँ चलना है। बब्जी को अब समझ आ गई है, बब्जी ने स्ट्रेंथ थोड़ी अपनी दोबारा गेन की है। ये देखो ये स्ट्रेंथ गेन किया है इसने, क्योंकि जोई की एनर्जी इस टाइम इन दोनों से ज्यादा है। ये लड़की अलग ही है। ये डॉग अगर आपको पकड़ ले तो फिर आपको पता ही है क्या हाल होगा। अगर तने का ये हाल है, ये बब्जी की ना एक कमी रह गई, भगवान ने पूरी नहीं की, इसके पीछे की दोनों लातें खराब कर दी। पर आगे का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो, ये मसल देख रहे हो कितनी हैवी है। लेडी ऑली अपने तरीके से खड़ी है और उसको धक्का मार के गई है। ये पूरा मेरा हाथ ना इसके मुंह के अंदर है, अगर बब्जी ने गलती से भी झटका मारा तो मेरी चार पांच हड्डियां चटक जाएंगी। इस देखना चमेली कितनी प्रोटेक्टिव हो गई है, ये ना हमारी गाड़ी देखने आया, मैं गाड़ी बेच रही हूँ तो देखना उनके पीछे पड़ गई है। तो गाइस यहाँ पे हो गई है अचानक दिल्ली में बहुत तेज बारिश शुरू, और हमें उसी के साथ बारिश आते के साथ ही ख्याल है डब्बा लाओ। हाँ डब्बा कहाँ से लाऊं अब इस टाइम, टब टब या बाल्टी। ओहो तो बड़ा स्यापा हो गया, नहीं उसके बच्चों के ना लंच। एक सेकंड जोई, मंडी जोई को अंदर कर, जोई अंदर चलो चलो खींच ले इसको अंदर ले जा। एक मिनट ना यही ना चली जाए। मेरे पास कोई टब नहीं है, तो ना आधी रात को दिल्ली में बारिश हो गई है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। ये तो शुक्र है कि अभी बिग बॉस आ रहा है, तो रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हमें होश था। क्या हो गया, कहाँ से? नहीं कटा तो नहीं है, पर थोड़ा स्क्रैच हो रहा है। फट गई टी शर्ट, टी-शर्ट फट गई। हाँ ये राहुल की टी शर्ट फट गई, बच्चों को बचाने के चक्कर लोगों को अक्ल ही नहीं है। ये चादर मत लाओ, ये अच्छी साफ नहीं है इतनी, ये रात के लिए ठीक है। चलो लगा दो, बच्चा बाहर नहीं, गीली तो नहीं हुई अभी। ताना देखना इनकी किस्मत देखो, बेचारों की ना। कोई नहीं आज रात हमारे पास अंदर सो जाओ, इसको सुसु सु है रात को तो करेंगे, तो यहीं करेगी, बच्चे भी यहीं करेंगे, सुबह सफाई। चौथा कहाँ है, हो गए चार। गुड जॉब राहुल, ये तो भगवान का शुक्र है हमारे सोते सोते पहले ही। कोई नहीं मैं तुम्हें अभी दबा देती हूँ, आज हाँ टी शर्ट तो फट गई, आज तुम्हारी दिन की दो टी शर्ट फट गई। अगर ये बच्चे खराब हो जाते ना, अगर बारिश में रह जाते तो। चलो गुड नाइट चमेली, यही सो जा बेटा अंदर हमारे पास, ठीक है? चलो तुम ना ऐसे भगवान के रूप में आते हो इनके लिए, प्यारे प्यारे बच्चों देखो कितने खुश है, नहीं तो बाहर कैसे परेशान। चमेली तो भाग गई थी है ना अपने बच्चों को छोड़ के, क्या पता शेल्टर ढूंढने गई हो कि मैं बच्चों को ले जाऊंगी। यही है इनका, अंदर सोई की सोई है। हां सोई को अंदर ले गए, नहीं तो रात को ऊपर छोड़ेंगे ना उनको। कोई नहीं सोई ठीक है अंदर कुछ नहीं। तो सोई तेरे तो आज मजे हो गए, तू रात को हमारे साथ सोएगी हैं, चला आज अंदर चल चल चल। बारिश हो गई बताओ बेवजह की। चलो नीनी करो, सोई नीनी कर ले, सो चुपचाप सो जा यहां पे। सही टाइम पे हो गई बारिश, और 15-20 मिनट बाद होती हम सो जाते, हमें ना पता चलता ना, बच्चे सुबह तक बचते भी नहीं है ना। चलो चलो, जबकि मैंने हमने गाइस हमने ना सोने से पहले प्रिडिक्शन की थी, उस पर चेक की थी प्रिडिक्शन, कोई बारिश के आसार नहीं थे नहीं। पर मौसम सुबह से तुम्हें बहुत जोर से लग रहा है, इतना सा स्क्रैच है, कुछ खास नहीं है। बच्चे तो सो गए, चलो। और सुबह सुबह बारिश रुक गई है, बच्चे यहाँ लेटे हुए हैं, और मम्मी गई हैं बाहर टॉयलेट पास करने। और अब यहाँ की सफाई होगी फिर ये बाहर आएंगे। गीला तो नहीं है ना, पहले ये सफाई कर लो फिर एक पोछा संभाल लेंगे। फाइनली दिल में हो गया इनका साफ सुथरा घर दोबारा, अब सारे बच्चे माँ के साथ बैठे हैं,
तो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कल रात को हो गई थी बारिश, बच्चों को हमने कर लिया था अंदर। आज बच्चे बहुत खुश हैं मदर के साथ। और एक सबसे बड़ा अपडेट मुझे आप सबको देना है, वो अपडेट ये है कि अब ना चार्ली, दामिनी, रोशनी और कौन बताओ, लूना, ये सारे ना चलने लग गए हैं। भाई मेरे सामने ही है और चलने लग गए हैं। तो अब ना ऐसे करना पड़ेगा हमें, ये देखो ये झटका मार के बाहर निकल रही है, और जैसे ही ये निकले ना मुझे गेट को ना हमेशा ही बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चलने लग गए हैं। ठीक है, आपको दिख रहे हैं चारों के चारों ये खड़े हो गए हैं। तू हट जा चमेली, मैं इनकी बात करने आया हूँ, हट जा तू, कुछ करने नहीं आया। ये चार्ली खड़ा हो गया, साथ में है दामिनी, वो पीछे देखो कितनी क्यूट शक्ल वाली रोशनी है, वो देखो ये क्यूट शक्ल है रोशनी की, और ये लूना है हमारी। तो ये चलने शुरू कर दिए बच्चों ने। ठीक है, ओए 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 मेरे बच्चों। तो ये सारे बच्चे अब चलने लग गए हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बाहर ना निकले। और साथ में अब मम्मी आ गई है, क्योंकि जैसे मैं इनकी बात करूँ तो मम्मी आ जाती है। हाँ कुछ नहीं कह रहे, चलो जाओ तुम। ये देखो ये चलना शुरू हो गया इनका। सुबह सुबह ही हमने 4:30-5 बजे बाहर देखा कि बारिश नहीं है, तो और देखा कि आराम से सो रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि इनको अभी रहने दो। 7:30 बजे हमने फिर पोछा लगवाया, सफाई कराया, और अभी वो सुसु कर रही है, गीली कर रही है अब, है ना। तो बच्चों को ना समझ आ गई है कितना चलना है, कहाँ चलना है। ये देखो आपस में खेल रही हैं दोनों बहनें। और इन द मेन टाइम पार्क में क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इतना सा। चमेली आ जा बाहर, आ जा। तो मैं इतना क्लोज कर देता हूँ ताकि ये आ ना सके। तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि बार बार चमेली के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। और अब मैं सीधा जा रहा हूँ पार्क के अंदर, और तीनों के करतूते जो हर रोज वो करते हैं वो देखते हैं। तू मत अंदर, तेरा अंदर बैंड है बेटा, अभी तू ना तय हो। अरे बारिश हुई है, मिट्टी की एक अलग सी खुशबू आने लग गई है। हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और एक सब्सक्राइबर का ना मैसेज आया था हमें कि यार आप मुझे ये बताओ आपका हर रोज एक पेड़ कैसे गिर जाता है। तो भाई हमें नहीं पता पेड़ कैसे गिर जाता है। पेड़ ना ये वाले हैं, केले के पेड़ होते हैं, क्या कहते हैं इसे साउथ इंडिया में, कोकोनट ट्रीज। ये देखो ये भी पेड़ गिरा हुआ है। ठीक है, तो हमें नहीं पता रात को पेड़ कैसे गिरता है। कल आपको पता है दिल्ली में आंधी कितनी आई है, हैं? तो उसका हम आपको क्या जवाब दें कि पेड़ कैसे गिर जाता है। गिर जाता है तभी, इनकी सुबह की एक्सरसाइज चल रही है। बब्जी को अब समझ आ गई है, बब्जी ने स्ट्रेंथ थोड़ी अपनी दोबारा गेन की है। ये देखो ये स्ट्रेंथ गेन की है इसने, अब थोड़ी बॉडी में ना जान वापस आई है इसके, फेस भी थोड़ा खिल के आया, बॉडी भी थोड़ी बेटर हुई है। तो बब्जी अपने काम पे लगा हुआ है, अभी ये फेचिंग नहीं करता, फेचिंग इसने बंद कर दी, इसको समझ आ गई एज के हिसाब से मेरे टांगों में इतनी जान नहीं है। ठीक है, बट गुस्सा एनर्जी चैनलाइज तो करनी है, तो हम इसको ये करने देते हैं कि तू ये कर ले ताकि तेरे एनर्जी लेवल डाउन हो जाए और तू दिन भर शांत बैठे। कल मुझे एक सब्सक्राइबर ने एक बात और कही, मैं आपका कमेंट ही पढ़ रहा हूँ, कि सर आप इतना मैनेज कैसे कर लेते हो तीन डॉग्स, और जिस हिसाब से वो खेलते हैं हर रोज गंदे होते हैं। तो गाइज मेरी बात सुनो, जब भी हमने लिया है ना, जोई हो चाहे लेडी ऑली हो चाहे बब्जी हो, हमारा ना अंदर से इंटेंशन ना एक ही रहता है कि ना यार जो इनकी नेचुरल वाइल्ड लाइफ इंस्टिंक्ट है उसको मरने ना दे। तो इसलिए हम इनको दबा के घुमाते हैं, खिलाते हैं। हाँ हफ्ते में एक बार नहलाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहला भी नहीं सकते, अब ठंड शुरू हो गई है। तो हफ्ते में एक बार नहलाते हैं और इनको रॉ रहने देते हैं जितना है। उस चक्कर में ना आप देख रहे होंगे, कल भी मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि सर मेरे रॉटवाइलर ने ना बहुत ज़्यादा काट लिया है मेरे घर के अंदर मेरे ब्रदर के फेस को, और हमें 2-3 साल हो गए और ये अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर ऊपर आ गया। तो मैं आपको वही समझाता हूँ, ये ब्रीड्स ना घर पे रखने वाली नहीं है, इसका सिंपल सॉल्यूशन एक ही है। आप अगर फ्री हो दिन में 2 बार आधा आधा घंटा और आप इनको हैवी एक्सरसाइज करा सकते हो तो ही। मैं इवन जोई की भी बात कर रहा हूँ आपके सामने, क्यों, क्योंकि जोई की एनर्जी इस टाइम इन दोनों से ज़्यादा है। ये लड़की अलग ही है, इसके फादर मदर की मैंने हिस्ट्री कल ही पता लगवाई है दोबारा, ठीक है, कि उनका नेचर कैसा है। मैं गया था कैनल, ठीक है, तो ये पता चला है इसकी मदर भी बहुत हाई एनर्जी है, तो इसको भी उतनी एक्सरसाइज की जरूरत है जितनी इसको है, और बल्कि इसको ज़्यादा। ये देखो ये उसको तंग है, जोई उसको तंग करती है, तू भाग चल। तो बब्जी हैज़ कम टू द टर्म्स कि जोई भी इस पैक का
क्या कर दिया ये? क्या हो गया? तो ये अपनी एनर्जी चैनलाइज कर रहा है इस तरीके से फाड़ के, और फट नहीं रहा है, दांतों से खून भी आ रहा है इसके, पर क्या करें। ये देखो, देख रहे हो, तो ये डॉग अगर आपको पकड़ ले तो फिर आपको पता ही है क्या हाल होगा। अगर तने का ये हाल है, ये देखो, क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ है, ओए होए, ये देखो क्या हुआ। ये मैंने ना पैर रखा हुआ तने के ऊपर इसलिए। बस बस बस, शांत हो जा। तब तक ये पेड़ का ना बुरा हाल नहीं कर देगा ना, तब तक ये बाज नहीं आएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसकी ग्रिपिंग पावर, इसकी आगे की बोन्स। बब्जी की ना एक कमी रह गई, भगवान ने पूरी नहीं की, इसके पीछे की दोनों लातें खराब कर दी। पर आगे का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखो ये मसल देख रहे हो कितनी हैवी है, ठीक है। तो डॉग तो हमारा बड़ा मस्त है, ठीक है ना। ओए ओए, बस बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ओए ओए, तो मुझे बब्जी पे कभी कभी आए हाय, ये देखो गुस्सा चढ़ा हुआ है इसे आज। रोज का वही तमाशा, दोनों के दोनों खड़े हुए हैं। लेडी ऑली अपने तरीके से खड़ी है और उसको धक्का मार के गई है ना। ओला के पास बॉल है ना, तो ओला के पास बॉल है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात और समझा दूं, लेडी ऑली का हाइग्रोमा दूसरे पैर का दोबारा बढ़ गया। ये हाइग्रोमा कहते हैं इसे, एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये मत समझना कि हम इसका चेकअप नहीं करा रहे, इसका चेकअप करा रहे, हमारी रेगुलर बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट यू हैव टू कंफर्म द प्रेगनेंसी, जो हम 25 तारीख को एक्सरे कराएंगे कि वेदर शी इज प्रेगनेंट और नॉट। और वो कह रहे हैं इवेंचुअली इसको बढ़ने दो, क्योंकि हम निकालेंगे और ये हार्ड सरफेस पे बैठती है और मानती नहीं है। हमने बहुत रोकने की कोशिश की, 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को, तो वो चीज़ नहीं हो रही कंट्रोल। तो इवेंचुअली दिस विल फेड अवे जैसे दूसरे पैर का हुआ। मेन टाइम ना इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई है, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत ज़्यादा है। ज़ोई सिट, ज़ोई कम, देखा कमांड नहीं ली, कम कम ज़ोई, गुड गर्ल, है ना, थोड़ी थोड़ी तो सुनती है ये गंदी औरत, बैठ जा नीचे। तो ज़ोई देख लो, दिन ब दिन आपको लग रहा होगा बढ़ रही है, और सच में बढ़ रही है। सिट सिट ज़ोई, ज़ोई गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो ज़ोई का ये देखो, ये है इसका नेचुरल पोस्चर, शक्ल कैसी लगी आपको बताना कमेंट्स के अंदर, और मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में इन तीनों बच्चों की शक्लें भी दिखाऊंगा। ये ज़ोई है, देख लो अच्छे तरीके से, बताना आपकी फेवरेट कौन है। ये हमारा बब्जी है, ठीक है, ये हमारा बब्जी है, ठीक है। बताओ कि ये फेवरेट है आपका या ज़ोई फेवरेट है। अभी आपको थोड़ी देर में लेडी वाली भी दिखाऊंगा। ठीक है, बब्जी देख लिया आपने, या फिर ये है लेडी वाली। कौन सी फेवरेट है आपकी तीनों में से, हमें बताओ। तो गाइस, दिल्ली का मौसम जैसे एकदम चेंज हो गया, कल रात को बारिश भी हुई है और ठंड हो गई है एकदम से दिल्ली में बहुत ज़्यादा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे ये स्ट्रे डॉग है चमेली, इसके भी बच्चे हैं, ये छोटे छोटे पपीज हैं, कल रात को हमने इनको अंदर कर लिया था अपने घर में, और अभी भी हमने इनकी यहाँ पे चद्दर बिछा दी, थोड़ी देर में मैं ऊपर तरपाल भी ऑर्गेनाइज कर दूँगी ताकि इन्हें ठंड ना लगे, और हो सके तो इनको भी थोड़े से ना वार्म क्लोथिंग के अंदर रैप करके आप अपने एरिया के स्ट्रीट डॉग्स को थोड़ा सा कंफर्ट दे सकते, क्योंकि मौसम एकदम बदल गया है और इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इस मौसम के साथ लड़ने के लिए। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको इतनी ठंड लग रही है ना, देखो कैसे भी मम्मी के अंदर ना ओवर के बैठे हुए आपस में सारे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना हो सके ना अपने एरिया के स्ट्रे डॉग्स की हेल्प करो इस बदलते मौसम में, इनको भी कोई सहारा दो। बुरा क्यों रहा, तुझे क्या लग रहा है तू बुरा आएगा, मैं डर जाऊंगा है। रिलैक्स, नाइन सिट सिट, आराम से बैठ जा, हाँ आराम से बैठ जा, सिट नीचे बैठ जा आराम से, समझ आ गई। हाँ हाँ हाँ, गुस्सा क्यों कर रहा, क्या हुआ, हाँ चल मेरा बच्चा है तू, चल बस। अच्छा बॉल ले ले, बॉल ले इससे, बॉल ले, ए
रिलैक्स। क्या हुआ? रिलैक्स, सिट, जो ए वाला सिट, स्टे, दोई, बब्बे, बॉल। एक ऐसे नहीं मिलेगी, ये लो, ले लो, ले लो, ले ना, ले, ले लो, ले लो, ले। ना इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अब बब्सी का ना पूरा मुंह और मेरा पूरा हाथ बब्सी के ना, ये देखो बब्बे काम बॉल ये रही, आजा ये देखो, ठीक है, ये पूरा मेरा हाथ ना इसके मुंह के अंदर है। अगर बब्सी ने गलती से भी झटका मारा तो मेरी चार पांच हड्डियां चटक जाएंगी। बट उतना कॉन्फिडेंस एज द पैक लीडर आपके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ मैं ना ऑफिस में आया हुआ था और आज हमने खिड़की खोल दी है, आज हवा बहुत अच्छी है। और ये देखो खिड़की के बाहर ना ये बैठे हुए भाई साहब। हाँ जी, क्या हो रहा है, किसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो? अच्छा, ये जोई ना इनकी बॉल लेके आई हुई है और ये दोनों नहीं देखो कैसे देख रहे हैं। बब्सी तो इतना खूंखार लग रहा है, दूर हो जा मुझसे, तू तो मुझसे बात ही मत कर। हाँ क्या ओए, नहीं बब्जी उसको कुछ मत कह, वो छोटी बच्ची है। नहीं देख लो, सुन के चला गया पर बॉल ले गया। ये ना इसके हाथ में ना बॉल आने ही नहीं दे रहा, वो देखो अपना लेके बैठ गया उस तरफ। हाँ तो किसने कहा पंगे लेने के लिए? कुछ नहीं होता, माफ कर दे उसे, बब्बे छोड़ दे, ठीक है, ओके। बा नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर जा। अरे बच्चों क्या हुआ, क्या हुआ है? अंजी उदास है, मन रुक जा, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बाहर आ रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं ऑफिस का काम खत्म करके थोड़ी देर में बाहर आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो बड़ी चहल पहल है। तुम्हारी आवाजों से आई हूँ मैं बाहर, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तीनों को तो कोई और काम ही नहीं है पार्क में मटर गश्ती करने के अलावा। ये गार्ड डॉग है, गार्ड डॉग है, ये पूरा दिन गार्ड का काम करते हैं, गार्ड ही करते हैं। वो तो जोई तो ऐसी पगलाई हुई है, ऐसी पगलाई हुई है, कुछ ज्यादा ही हर वक्त पार्क में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं इनको। और चन हेलो भाग गई मुझे देख के, और लड़ाई कर रहे देखो जोई और ओली, होई होई होई, कैचा है गुग्गा, ये देखो ये तो मेरे पास आ गई, ओलो ओलो देखो भाग गई, ओलो। अगर तुमने गंदे बर्तन में मुंह मारा ना चाटे खाओगे, वो देखो बब्जी तो अपना अलग। बाइक क्यों साफ करा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो? अब जाएंगे, अब जाऊंगा। कहाँ जाओगे? दीशु के साथ भल्ले पापड़ी खाने। भल्ले पापड़ी और तुम्हारे ना ये पापड़ियां, ये भेरी पापड़ी, ये भल्ले हैं, भल्ले हैं, पापड़ी निकाल के कितने गंदे हो, टुकड़ों में निकली थी कि कैसे निकली थी? मैंने अब गंदी बातें तू कर रही है, या चटनी निकली थी? यू वांट टू डाइसेक्ट माय पॉटी, हाय हाय, छी छी छी, बेटा ढीला ही रहता है, तुझे नहीं पता, ये तो तोड़ेगा यार ये दिशु, इसके तो चांटे। इधर दिखा, बब्जी ने ना दिशु को काटी हो, बब्जी तो देखना वो काटने में बिजी है, देखो कौन सा तो भी पेड़, ये लड़का ना क्रैक है देख लो, और साथ में सोई को भी ले लिया, और आज तो लेडी वाली भी लग गई। ओले तू आजा बेटा, तू शरीफ लड़की है, तू कहां इन गुंडे मवालियों के चक्कर में फंस गई है, आजा मेरे बब्बू, कम कम कम, देखो आ गई मेरा गुड्डा आ गया मेरे पास मेरा वाला। बब्जी का तो मुझे लगता है मेंटल ना उसी में अटक गया दिमाग। इस देखना चमेली कितनी प्रोटेक्टिव हो गई है, ये ना हमारी गाड़ी देखने आया, मैं गाड़ी बेच रही हूँ तो देखना उनके पीछे पड़ गई है। कम 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 चल इधर, बड़ी वफादार राहुल, बुलाओ उसको, आजा आजा, देखो इधर बच्चों का जा रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारे बच्चों से कोई डर नहीं लगता। दिशु अंदर का बेटा, इसको दरवाजा कुंडी लगा दे, चमेली साइड, कुछ नहीं आती वैसे तो, इसको पकड़ के ला, तुम बुला लेना यार, अरे मेरे को इतनी पेट डॉग, रुको मैं अंदर से इसका वो निकालती हूँ। नहीं नहीं अंदर नहीं, इस गली की है ये तो, नहीं कुछ नहीं कहेगी। तो गाइस मैं यहाँ से ना ट्रीट्स निकाल रही हूँ ताकि ना चमेली, चमेलू कम बाबू ये ले, अरे, अरे ये रहा ना बाबू,
उसका बच्चा उठा ले, चमेली ये ले। हाँ ये दे दे। तो मैं राहुल को ट्रीट्स, आ जा कुंडी लगा दो। हमारे तो तीन अंदर हैं जो घूम रहे हैं गाइस, चमेली को ना हमने अंदर बंद कर दिया क्योंकि कुछ लोग आए हुए हैं, तो वो अंदर ही बैठी हुई है देखो, तब से और गेट के पास बैठी हुई है कि मेरे को ना बाहर निकालो यहाँ से, पर हम इसको नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये ना हमारे घर की और हमारी प्रोटेक्शन करने लग गई है। बताओ थोड़े दिन इसकी सेवा क्या करी, ये तो हमारी हो गई। और ना इसके बच्चे भी देखो ना बाहर आने की कोशिश करते हैं हर वक्त, तो हम ना ये गेट ना कोशिश करते हैं बंद ही रखो, देखो ये ना बाहर आने की कोशिश करता है, तो ना बहुत डर लगने लग गया मुझे, रात को ना अब ये गेट बंद ही करके सोएंगे हम।